विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश गत 8 वर्षों से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। पूर्वोदय से भारत उदय के प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं झारखंड सहित पूर्वी भारत के राज्य। अगर नया हिंदुस्तान बनाना है तो विकास का सूरज सही मायने में पूर्वी भारत से ही उगेगा। गत वर्षों में इन क्षेत्रों और भारत के चहुमुखी विकास हेतु प्रधानमंत्री जी ने भोले बाबा की नगरी श्री बैद्यनाथ धाम में रखी थी देवघर एयरपोर्ट और एम्स सहित कई विकास परियोजनाओं की नींव। आज मिलने जा रहा है झारखंड को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। सावन में बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त देश विदेश से यहां जुटते हैं, जिनकी यात्रा को और सुविधाजनक बनाने हेतु यहां एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। करीब 654 एकड़ क्षेत्र में फैला और 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट रांची के बाद झारखंड राज्य में दूसरा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में नए निवेश के अवसर बनेंगे। खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बाबा धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों और कांवड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित परिसर बनकर तैयार हो गया है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा इस परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। हवाई मार्ग के साथ साथ झारखंड की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा गढ़वा से महुरिया तक 66 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना को कुल 866 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न किया गया है। इससे नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयले को तेजी से ले जाया जा सकेगा। हंसडीहा गोड्डा से 32 किलोमीटर लंबे ट्रैक की विद्युतीकरण परियोजना को कुल 35 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न कर भारतीय रेल ने जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए राज्य में सड़कों, पुलों और राजमार्गों के विकास को गति दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के गोरहर से बरवा अड्डा तक के 6 लेन का कार्य, रांची से शहर बेड़ा तक के 4 लेन का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। झारखंड के देवघर में 237 एकड़ में फैले एवं 1103 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एम्स की स्थापना एक निर्णायक कदम है। आज इस संस्थान में आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं सहित 250 बेड की उच्च स्तरीय आईपीडी एवं ऑपरेशन थिएटर सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष लाभ झारखंड एवं पड़ोसी राज्य जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल के नागरिकों को मिलेगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने के लिए और जनसाधारण को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इसमें शामिल है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत गेल की जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन के बोकारो अंगुल प्रखंड तथा बरही व बोकारो में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स का उद्घाटन। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन और बॉटलिंग प्लांट्स देश और प्रदेश की स्वच्छ हरित ईंधन आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। झारखंड के विकास को और तेज गति देने के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण। 447 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त शिलान्यास किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के पलमा गुमला खंड के 4 लेनीकरण का, रांची शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का, 4 लेन गढ़वा बाईपास के निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के मिर्जा चौकी से फरक्का तक की 4 लेन सड़क के निर्माण का।
कोयले में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु ONGC के पर्वतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन के निर्माण की भी आज नींव रखी जा रही है। गति शक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से झारखंड के आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य को बल मिलेगा और साथ ही झारखंड को एक नई पहचान भी। पूर्वोदय से भारत उदय अब हो रहा है साकार।